हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिकी डोलमा फ्रॉम डोलमा किचन। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है पोटैटो क्रोकेट्स। तो शुरू करते हैं। ये लेंगे हम कुछ बॉइल्ड पोटैटोस। इसमें अब हम सीजनिंग डाल देंगे। मैं शुरू कर रही हूँ नमक से, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसमें जाएगी कुटी हुई काली मिर्च और हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर, ये भी आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। और अब हम इस पोटैटोस को अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। अब ये हमारा पोटैटो मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम एक नया बोल लेंगे। इसमें हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो कि है 1/2 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च हमारे बाइंडिंग के काम आएगा। अब इसमें डालेंगे हम अपनी सीजनिंग जो कि है रेड पेपरिका। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और एट लास्ट इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर। इसके बाद हम इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें डालेंगे हम दूध और एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। प्लीज मेक श्योर कि बैटर में कोई लम्ब्स ना रहे। अगर आपका बैटर बहुत ड्राई है तो आप थोड़ा दूध और यूज कर सकते हैं। सो ये रेडी हो चुका है हमारा बैटर। अब आप आइसक्रीम स्कूपर से आलू को स्कूप कर लीजिए और अपने हाथों में इसे इस तरह डाल के फ्लैटन करके सेंटर में मोजरेला चीज फिल करिए। उसके बाद इसमें थोड़े से और आलू लगा के इसे एक राउंड शेप दे दीजिए। आप चाहें तो डिफरेंट शेप दे सकते हैं। अब इसे हम अपने बैटर में डिप कर लेंगे और इसे हम ब्रेड क्रम्स में अच्छे से चारों तरफ से कोट कर लेंगे। अब इसे हम मीडियम हीट में फ्राई करेंगे। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। एंड प्लीज याद रखिए, इसे हम हाई हीट में फ्राई नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे ब्रेड क्रम्स जल सकते हैं। और अब ये तैयार हो गए हैं हमारे पोटैटो क्रोकेट। अब आप देख सकते हैं हमारे पोटैटो कितने क्रिस्पी, सॉफ्ट एंड चीजी बने हैं। प्लीज आप ये सब घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू मेक। और अगर ऐसी और रेसिपी आप जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।